नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 1 जुलाई से वडोदरा शहर में थर्मोकोल और प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जीपीसीबी की ओर से इस मामले को लेकर 260 एकमों को नोटिस भी दे दी गई है और जल्द से जल्द थर्मोकोल और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। वडोदरा में थर्मोकोल की चीज़ें बनाने वाले 260 एकमों को नोटिस दे दी गई है, जिसके चलते अब 1 जुलाई से थर्मोकोल का उत्पादन बंद करवा दिया जाएगा। वैसे प्लास्टिक की चीज़ें भी 1 जुलाई से नहीं बेची जा सकेगी। आपको बता दें कि 1 जून तक 75 माइक्रोन प्लास्टिक की थैलियां बेची जा सकेगी, लेकिन 1 जून के बाद ग्राहकों को 150 माइक्रोन की प्लास्टिक की थैलियां ही देनी पड़ेगी। हालांकि इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। हाल में आज आपने बताया जो है कि कोरोना समय में जिस प्रकार घर में रहता बधाने सीख्यू है, पोता घर बनेलो खोराक लेता सीख्या है, संयुक्त कुटुंबनी भावना पण उभी करावी छे। एवा समय ज्यारे भौतिक सुखमां राचनार आपनो तमाम समाज हूँ पण एमां आवी गयो, जे प्रकारे थर्मोकोलनो वधु पड़तो उपयोग, प्लास्टिकनो वधु पड़तो उपयोग, एमांथी बचीने पोताना शरीरने कई रीते साचवी शकाय आ दिशामां सरकार पण एक पहल करी रही छे। एना भागरूपे तमाम लोकोनो सहकार लईने कई रीते आगळ वधी शकाय अने પોતાનું શરીર સારી રાખી શકાય, આ આખું આયોજન સામૂહિક રીતે લોકોની સાથે જોડાઈને કરવાના પાત્રમાં અમે આગળ વધ્યા છે। वैसे इस तरह अचानक ये जो नियम दे दिया गया है उसे लेकर दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दुकानदारों का यह कहना है कि इस तरीके के नियम से वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है दुकानदारों की, आइए आपको सुनाते हैं। સારામાં સારું છે, એ આપણા પર્યાવરણ માટે, આપણા એન્વાયરમેન્ટલ માટે બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ એના સામે બીજા 4 ઓપ્શન કાઢવા પડે। કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અમારું તો ઘણું ઓછું છે, પણ મોટી મોટી કંપનીઓ જે છે એ લોકોને ઘણા મોટા મોટા પ્લાન્ટ્સ, મશીનો કરોડો રૂપિયાના જે લોકોએ લીધેલા હોય એ લોકોને ઘણું નુકસાન થશે સાહેબ। અમારે ઘણું નુકસાન છે સાહેબ, ને એક જોતું પર્યાવરણ માટે સારું બી છે, એ બેન થઈ જવું એ વધારે સારું છે, યોગ્ય છે, પણ એના સામે બીજા 4 ઓપ્શન્સ મોટી કંપનીઓએ કાઢવા જોઈએ। એ કાઢશે તો જ આપણું કંઈ સોલ્યુશન આવશે, અમારા જેવા નાના વેપારીઓને એ વસ્તુ કામમાં આવશે। બાકી अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।